अबे उधारी तुम अपने पिताजी को भी नहीं देते, तुमको कहाँ से देंगे भैया? रखो फोन। ओ भाई साहब, हेलो, क्या चल रहा है? ये लिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? थूकना और मूटना सख्त मना है। कानपुर, गंगा जी के किनारे बसा एक शहर जिसका जिक्र तीन चीजों के लिए किया जाता है, कटियाबाजी, गुटकाबाजी और लौंडियाबाजी। अच्छा, नमूने तो बहुतेरे हैं इस शहर में, पर ये जनाब कुछ खास हैं। पंडित, आज तो लगता है तुम्हारे पापा जी जंग जीत के आएंगे। चलो चाय पियोगे? पियोगे? अच्छा, अब इनसे मिलिए। ये हैं राधे, राधे लाल शुक्ला, और ये बस नाम के ही राधे हैं, अदरवाइज बचपन से इनकी आस्था तो महादेव में ही है। मजे की बात ये है कि 3 साल पहले राधे लाल को सरकारी तौर पर सरकार चुनने का हक मिल गया था, और अब यानी 3 साल बाद जब शुक्ला जी शादी की उम्र को लग चुके हैं, तब बीवी चुनने का हक इनके पिताजी इनको दे ही नहीं रहे हैं। सच में खुदा निकल पड़े हैं इनके लिए मैसेज ढूंढने। अबे ये रावण वाला है ना? इस बार तो हम ही बनेंगे रावण रामलीला में। यार साजन, यार सुनो ना। हाँ बोलो। तो वो क्या बोल रहे थे, थोड़ा बाइक चलाना हमको भी सिखा दो ना यार। वो क्या ना कि आज पापा जी रिश्ता फिक्स करने गए हमारा, तो मैसेज के साथ साथ बाइक भी आ जाएगी। बाइक और बीवी दोनों एक समान होते हैं। आदमी की जिंदगी में जैसे आते हैं ना, आदमी खुद ही सीख जाता है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े शुक्ला जी है ना, वो कहाँ है बे? अरे भैया, तो पापा जी आ गए, फोटो लाए होंगे। भाभी प्रणाम। अबे ओए ओ आराम से। ओ राधेलाल शुक्ला के बहुत से मित्र डॉक्टर इंजीनियर बनने के रास्ते पे भटक गए, और इन्हें चिड़िया की आंख बचपन से दिखाई देती है, एक चमकदार मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल पर पीछे से कमर पे हाथ डाले इनकी मिसेज। बहरहाल आज लगता है इनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। अरे भैया बड़े शुक्ला, रिश्ता पक्का करके जो आ रहे हैं।
मास्टर रुको बे, हम भी आ रहे। अब सुनिए ना, वो थोड़ा जल्दी में इसीलिए ऐसे आ गए, वरना किसी को छेड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं हमारा। क्या बे, गाना बड़ा अच्छा बजा रहे हो। हाँ भैया, सीधा अड्डा से आ रहे हैं क्या? अबे मुंह मीठा कर लियो साले, तुम्हारी भाभी का फोटो देखने जा रहे हैं। संभाल के जब बो रहा। अबे क्या कर रहे हो, बैठो संभाल के। आप भी ना। अबे ताजमहल बना रहे हो क्या? अब आओ जल्दी चलो। अरे जल्दी आओ। ससुरा चौबे, कचौड़ी बहुत खिला दिया, हाजमा खराब हो गया। ये मशीन एकदम फालतू, किसी काम की। अरे लाली एक काम कर, तू हमारे लिए गर्म पानी लेकर आ, है? और सुन, नमक जरूर डाल देना। अरे जरा आराम मिलेगा। जल्दी चलो। आइए आइए मटुक बाबू, आइए आइए। माता जी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। पिताजी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। लाई लाई कैसी है? खुद ही देख लो। हम भी देखें अपनी होने वाली सराहज को। क्या बे फैंटम, अबे दुनिया खत्म होने से बचा लिया कि नहीं? मटू बाबू, मोहल्ले में कुत्ते कम हो गए हैं, नहीं तो काट काट के पिछाड़ा लाल कर देते इनका। किसका ब्लाउज पहन के घूम रहा बे? पापा जी वो ब्लाउज नहीं, वो कॉस्ट्यूम है। रावण का कॉस्ट्यूम। हेलो देखो, अभी ससुर रावण बन के घूमेंगे। अरे अब खड़ा क्या है ठूट बन के, है? चल फटाफट हाथ मुंह धो ले। और ये, अरे ये उतारो। अरे गजानन, अरे देखो टेम्पो वाला ससुरा डिब्बा लेके आया कि नहीं अभी तक। बहुत जोर है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जोर है हमारी होने वाली सराज में। अरे राधे भैया, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे शर्मा का आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। अब शादी वादी होने जा रही है तो थोड़ा ज्ञान भी ले लो, आ जाओ आ जाओ। अरे सावन कुमार टाग जी बोले हैं, अरे सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवाली है। बोलो घरवाली की जय। देखो भैया, आपकी होने वाली घरवाली तो हमारी सराज होगी, तो मिलने दोगे ना, बात बात करने दोगे ना? बोलो है? अरे बर्मा, हम तो
घर पहुंच गए भैया। दीदी ओ सासू माँ, तो आपकी बोहरिया आ रही है, तब तो भैया कुछ पकवान वकवान खिलाओ बढ़िया बना के। हाँ खिलवाते हैं। प्रभु देखिए, रावण आपके सबसे बड़े भक्त थे, हम कुछ देर पहले उन्हीं का कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। अब उस तरीके से देखा जाए तो हमारा और आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्पेशल हुआ ना। देखिए आप तो सब जानते ही हैं कि हम बचपन से एक ही सपना लेकर तो जवान हुए हैं कि एक दिन हमारी भी शादी होगी, हमारी भी मिसेज आएगी और हमारी जिंदगी को ऐसे चमकाएगी जैसे आपके मंदिर को ही मिर्ची लाइट। देखिए प्रभु, पिछले 3 साल से हम उस गुल्लक में अपनी हर महीने की पॉकेट मनी डालते आ रहे हैं ताकि हम अपनी मिसेज को स्वागरात वाले दिन एक छोटा सा तोहफा दे सकें अपनी कमाई से। बस हमारी एक ही विनती है कि फोटो वाली ना एकदम सुंदर, सुशील और गोरी चिट्टी हो। देखिए वो क्या है ना कि पापा जी हमारा रिश्ता फिक्स कर दिए हैं और हमारे पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। बस आपका नाम लेकर हम फोटो पलटने जा रहे हैं, संभाल लेना। प्रभु हमी को ठग्गू का लड्डू खिला दिया, आप कैसे देखेंगे इनका चेहरा। चल भैया ले आ, ये लगा, देख देख संभाल के। हाँ बीच में रखा, बीच में। हाँ चलो। जबरदस्त पिताजी, जबरदस्त। लेकिन ये भौकाल है का? ग्लोब, किंग साइज ग्लोब। हमारी ट्रॉफी बहू के लिए। ग्लोब ट्रॉफी बहू के लिए। दोनों की कुंडली उंडली मिलवा लिए है ना आप? नहीं वो कहाँ है, या बहू ला रहे एकदम टापर और हमरे राधे उनकी कुंडली में नवी का काल सर्प दोष। दोनों के गुण उण मिल जाएंगे ना। फटुक बाबू, वैसे तो मोहल्ले में सब सलाम ठोकते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब साले मजाक उड़ाते हैं हमारा। शुक्ला का परिवार अनपढ़ है, कमार है, ओडम है, जाहिल है।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने थे हम, वो भी चुनाव जीत के, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि अंगूठा छाप है। चार चार पेट्रोल पंप, 12-12 राशन की दुकानें, 100 से 150 लोगों को लाखों रुपए महीने में तनख्वाह देते हैं, फिर भी अध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि अंगूठा छाप है हम। मुख्यमंत्री को हाथ से ज्ञापन लिखकर नहीं दे सकते क्योंकि अंगूठा छाप है हम। ठीक है भैया, हमने भी निर्णय कर लिया है, इसी आंगन में यहां बैठाएंगे रस्तोगी को, वहां चौरसिया को और वहां मिश्रा को, और यहां बैठेगी हमारी ट्रॉफी बॉल। फिर उससे हम पूछेंगे, बताओ बेटा, बताओ कि अमेरिका कहां है, कहां है अमेरिका, कहां है रूस, कहां है जापान, और वो बताएगी, सब कुछ बताएगी, सबकी बोलती बंद कर दूंगा, सिर्फ बोलेगी हमारी बहुरिया। साले गवार समझते हमको? जबरदस्त पिताजी, जबरदस्त, भौकाल हो जाएगा आपका। बस एक बात का ख्याल रखना, आप ला रहे हो टापर बॉय, कहीं वो घर में आने के बाद चावल के साथ ज्ञान न बघारने लगे। अरे मटुक बाबू, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, मान सम्मान और जिम्मेदारी एक तरफ, समझा? लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसको पता होता है जाना आखिर उसको ससुराल ही है। ऐसे बहुरिया ढूंढ के लाएंगे अपने राधे के लिए, समझो कि नहीं? जिनने जे गेंद घुमानी आवेगी वो खाक करेगी सबकी चाकरी, बताओ। अभी तक तो घर में आई ना है, तो देखो कैसे इंतजाम हो रहे हैं उसके लिए। अरे मैं तो कहूं हूं, कहा कहे तू, हम का हमारे बहू के बारे में कुछ बोली ना, जो टांग में दर्द है ना उसे तोड़ के बैठा दे तुके, समझो कि नहीं? समझ लो। पिताजी, ये तो यहां से कुरज गया, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा देश है? लंदन। लंदन? जी। मुंह खोलो, आ करो, जीभ बाहर निकालो, जीभ बंद करो, आंख दिखाओ, मरोड़ उठ रहा होगा पेट में। मरोड़ तो रहा उठ रहे डॉक्टर साहब, खांसी हो गई दिखे। अच्छा, सीने में बैठी है चुड़ैल बन के। जोर जोर से सांसें लो उधर मुंह करके। चाचा जी, ये लाल वाली गोली सुबह शाम 5 दिन तक ले लेना, ठीक है? और ये पीला वाला शरबत दिन में 3 बार, ठीक है? यही तो मैं कह रहा था, सारा कुछ तो यहीं पे सीख गई मेरे साथ। लाल गोली खांसी के लिए, साथ में पीला शरबत, नीली गोली बुखार के लिए। लंदन का आ जा रही है, ऐसा क्या खास कर लेगी वहां जाके? उठो, हो गया, उठ जाओ। पापा, हम गोली रंगों से नहीं सॉल्ट से पहचानते, आपको पता है? लाल वाली गोली में एमोक्सिलिन सॉल्ट है, एंटीबायोटिक, और पीले वाले शरबत में प्रोबायोटिक है, ताकि शरीर के अच्छे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से खत्म ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लाल वाली गोली खानी है ना? हाँ, लाल वाली खानी है, एक्सरे लिख रहा हूँ, बाहर से करवा लेना। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। मेरी बकरी को भी देख लेते। क्या हो गया? दूध ना दे रही। कब से? हफ्ता हो लिया। चाचा जी, इंसान और जानवर में फर्क होता है, और पापा जानवर के इलाज कैसे कर सकते हैं? बताओ भाई। ना बेटा, कर ले बहन, ये साल पूतन की घराली ने लड़का जन्मा था, दूध ना उतर रहा था उसकी छाती से, इनकी दवाई से ठीक हो गई,
बस वैसी मेरी बकरी का समझ लो। खून का टेस्ट भी लिखा है, अब ज्यादा मत बोलो। अगली बार जब आओगे दिखाने तो बता देना बकरी कहाँ है। बकरी यो रही। अच्छा ये क्या नाम रखे हो इसका? गुलाबो। गुलाबो, अच्छा अच्छा, इधर आजा गुलाबो, दिखा जरा। थूथन सूख गई इसकी। अच्छा हाँ बेटा, वो अंदर ना भूरे कलर का पाउडर रखा है डब्बे में, वो ले ना। जा बेटा गुलाबो, अब तो ठीक हो जाएगी। ये तो ठीक हो जाएगी, तुम भी दवाई खा लेना अच्छे से। हाँ, ठीक। और सुबह शाम एक हफ्ते तक चारे मिला खिला देना इसको, समझो जी। हाँ अच्छा, जयराम जी की। हाँ लेके जाओ। अरे बिटिया शाम को पहुँच जाइयो माता की चौकी पे। चल गुलाबो, चल चल चल। पापा आप ये सब क्यों? अरे बेटा ये सब गांव वालों के लिए ही तो है, अब क्या करें, इन सब की देखभाल के लिए एक अकेला मैं ही तो हूँ, अब क्या जानवर क्या इंसान, इतना तजुर्बा तो हो ही गया है। पापा हर बीमारी तजुर्बे से ठीक नहीं हो सकती है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। कृष्णा, अरे भाई अभी तक बिट्टो थी, अब गुस्सा आ गया तो कृष्णा। अरे भाई ये ऊपर से, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे क्यों किया, इसको ऊपर कर और उठा और उठा। पापा अगर हम इम्तिहान में पास हो गए, अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो हम जा सकते हैं लंदन मेडिकल पढ़ने, डॉक्टर पढ़ने। डॉक्टर ही क्यों, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अरे इंजीनियर बन जा, वकालत कर ले, टीचर बन जा, मैं तेरी एडमिशन कराता हूँ BHU में। देख बड़ा अच्छा लड़का है, एक बार देख तो ले ध्यान से, पकड़। हाँ ये ठीक है। हाँ यहाँ सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन सस्ते दामों में होते हैं। बढ़िया बढ़िया, आ जाओ पेमेंट ले लो अपना। अबे 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 तक कहाँ जा रहे हो? अबे सुन तो लो यार। क्या सुन ले साला, एक काम बोले थे तुमसे वो भी नहीं हो पाया। यार तुम कम कोशिश नहीं किए क्या? यार सुन तो लो यार, अबे सुनो बे। क्या सुनो बे साला, हम अलादीन तुम हमारे जीनी, आज तक कोई ऐसी इच्छा जो तुमने पूरी ना की हो, साला इस बार कैसे फेल हो गए तुम? फेल? रुको बे, फेल नहीं हुए समझे ना, एक घंटे से पूरा फ्रेंड बुक छान मार लिया, अब भाभी की प्रोफाइल नहीं मिल रही तो फोटो कहाँ से ढूंढ रहे थे तुमको यार? देखो साजन, अगर हमारी मिसिज दिखने में अच्छी नहीं हुई ना फिनाइल पीकर जान दे देंगे, बता रहे तुमको। हे फिनाइल पिए तुम्हारे लैट्रिन के कीड़े, समझे ना? जिंदा है यार। हाँ तुम मरने की बातें करते हो यार पंडित? क्या बे क्या देख रहे हो? हाँ तमाशा चल रहा है यहाँ पे, काम पे लगो। क्या बोले तुम? भाभी तुमको भाभी को देखना है ना पक्का? हाँ चलो। कहाँ? मलिया पर भाभी के कहो उनसे मिल ले। पागल हो गए हो क्या? पापा जी को पता चला तो साला मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं है ना बेटा, तो कल जब किसी सीता गीता से तुम्हारे पापा जी ने तुम्हारा रिश्ता तय करवा दिया तो कल लेना चुपचाप शादी, और खेलते रहना पूरी जिंदगी दंगल दंगल, ठीक है? चलो बे का चलो। रिश्ता